नियम या यों कहें मनुष्य जीवन के लिए संविधान रूप में दिए हैं, उसमें एक नियम यह बनाया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। माने जितने जीवन में कर्म हैं वो तो करने ही हैं, लेकिन वेद का स्वाध्याय करना कराना पढ़ना और पढ़ाना ये अपना नित्य का कर्म है और जिम्मेदारी का कर्म है, दायित्व वाला कर्म है जो वेदों का पठन पाठन होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति के बहुत से श्लोक अपने ग्रंथों में उद्धृत किए हैं। मनुस्मृति आचार ग्रंथ है। आचार जितने भी मनुष्य हैं, जितने उनके कर्म हैं, उतने प्रकार के होते हैं। बच्चों का क्या कार्य है, गृहस्थियों का क्या कार्य है, विद्यार्थियों का क्या कार्य है, साधु सन्यासियों का क्या कार्य है, ये अलग अलग सब सुनिश्चित किए गए हैं। मनु महाराज ने एक श्लोक कहा है जिसको सभी को अपने ध्यान में रखना चाहिए। कहा गया है, यो नधीत्येति जो वेदम् अन्यत्र कुरुते शमम् सजीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। जो व्यक्ति दुनिया भर के पठन पाठन में लगा रहता है, बहुत सारे लोग पढ़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी से भी पूछिए कोई अनपढ़ है क्या? कोई आज के जमाने में ये कहने को तैयार नहीं है कि हम अनपढ़ हैं। अभी पंडाल पूरा भरा हुआ था, आगे भी भरेगा, लेकिन सब वेद पढ़ रहे हो ये आवश्यक नहीं। मनु महाराज ये कह रहे हैं, यो नधीत्य द्विजः वेदम् द्विज, जो दोबारा उत्पन्न हुआ है। दोबारा कौन उत्पन्न होता है भाई? आप यज्ञशाला में बैठे हैं, कौन कौन दोबारा उत्पन्न हुए हैं बता सकते हैं? दोबारा उत्पन्न कौन हुआ है? सभी मनुष्य दोबारा उत्पन्न होते हैं पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया। आचार्य अपने गर्भ में रखता है, पढ़ने पढ़ाने की जो रीति है वो गुरुकुल शिक्षा ही है, बाकी तो ये विकल्प हैं। और विकल्प के माध्यम से हम पढ़ने का पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां द्विज नहीं बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आचार्य ये घोषणा करता है कि तिस्त्रो रात्रि गर्भम विभर्ति, का तीन रात्रि पर्यंत, अर्थात आधी दैविक आधी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने गर्भ में रखता है, अपने समीप में रखता है। जो पढ़ने आया है अंतेवासी शिष्य छात्र उसको अपने पास रख लेता है, वहां से उसका गर्भ तैयार हो रहा है, वो बन करके तैयार होगा। उसके बाद ये घोषणा होती है, तम दृष्टुम संयंति देवाः, जब तैयार हो जाता है उसको देखने के लिए दुनिया आती है, सबको बुलाया जाता है और उसका समावर्तन संस्कार होता है। तैयार होने पर तो व्यक्ति की जो पहचान बनती है वो पठन पाठन के द्वारा ही बनती है, लिवास से नहीं बनती है। जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वो जो कहलाती है वो द्विज कहलाती है। द्विज दोबारा जन्म हो गया। तो कहा गया कि जो भी व्यक्ति है और द्विजन्मा है, वहां गुरु के पास जाकर के भी यदि वेद नहीं पढ़ा तो उसने कुछ नहीं पढ़ा। यौन अधित्य द्विजः वेदम्, जो भी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति यदि वेद को न पढ़ करके अन्यत्र कुरुते शमम्, कोई कुछ कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, ये कर रहा है, वह कर रहा है, दुनिया भर के जितने कोर्स है वो कर रहा है, डिग्रियां प्राप्त कर रहा है, लेकिन वेद को नहीं पढ़ रहा है, अन्यत्र कुरुते शमम्, अन्यत्र अपने श्रम में लगा हुआ है। सजीवन ने व शूद्रत्वम, ध्यान दीजिएगा, अभी जातिवाद छुआछूत की बात चल रही थी, सब लोग सुन रहे थे बड़े ध्यान पूर्वक से, और यहां यह कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति वेद को नहीं पढ़ता है, जीवन नेव जीता हुआ, जीता हुआ जानते ही हैं, जीवन जी रहे हैं, श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, तो जीवन नेव जीता हुआ ही
आशु गच्छति सान्वयः। अन्वय माने वंश परंपरा, वंश परंपरा के साथ शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। शूद्र समाज में जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं, और यहाँ पर जो शूद्रत्व का कहने का तात्पर्य है कि शोक मग्न रहता है, उस योनि में पहुंच जाता है जहाँ ज्ञान की रेखा नहीं होती है, जहाँ प्रकाश कुछ नहीं होता है, और वहीं से संस्कार खराब होते चले जाते हैं। जो वेदों को नहीं पढ़ता है, तो वेदों का पढ़ना सभी का ये कार्य है और पढ़ना चाहिए। बहुत लोगों को यह समस्या होती है कि हम वेद कैसे पढ़ें, वेद के पढ़ने के प्रकार बहुत से हैं। एक तो यह है कि भाई स्वस्ति वाचन के मंत्र पढ़ रहे हैं, अग्निहोत्र के मंत्र पढ़ रहे हैं, संध्या के मंत्र पढ़ रहे हैं, वेद पाठ पढ़ रहे हैं, वेद पाठ किया जा रहा है, पारण किया जा रहा है, दूसरे हस्त संचालन के द्वारा पढ़ रहे हैं, ये सब भी पढ़े जा रहे हैं। और दूसरा तरीका यह है कि वेद भाष्य जो हैं उनका पढ़ना। आप यह कहेंगे कि हमें वेद भाष्य की भाषा समझ नहीं आ रही है, याद रखें परमपिता परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया है, हमें एक मन भी दिया है, और जो मन दिया है उसमें स्थापित क्या है, तस्मिन् ऋचः साम यजुंषि, उसमें मन में मेरे प्रत्येक व्यक्ति के साम यजु अथर्व ऋग ये सब रख करके भेजे हैं। और जब हमारा संस्कार होने लगता है, हम यदि इस पक्ष में आने लगते हैं, हम यदि ऋषियों की परंपरा में आ जाते हैं, यदि हम दयानंद की इस धारा में चलने लगते हैं, तो वो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो उद्बुद्ध होने लगता है। उस उद्बुद्धता के लिए हमें इस सरोवर में आना चाहिए जो वेद का सरोवर है, और जो वेद के सरोवर में डुबकी लगा लेता है वही इस भवसागर से पार होता है, अन्यथा भवसागर से पार होने का कोई तरीका है ही नहीं, कोई तरीका नहीं है। इसको हम समझ लेवे तो वेद को पढ़ना हमारा कार्य है। परमात्मा ने मेरा मन ऐसा दिया हुआ है, ज्ञान मेरे अंतर्निहित में है, इसलिए उस ज्ञान की प्रवृद्धि के लिए वेद भाष्यों को पढ़ें, स्वामी दयानंद के मंत्रों के अर्थों को हम पढ़ें। पढ़ते जाइए, शंका वहां मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, पढ़ते जाइए, पढ़ते पढ़ते अपने आप वो जो कथन है उसका रहस्य जो है, जो गंभीरता है, अपने आप प्रकट होने लगेगी, और प्रकट होने के अनंतर वेद का ज्ञान आपके सामने उद्घाटित होने लगेगा। करके देखने की बात होती है, हर चीज करी जाती है। बच्चा छोटा होता है, स्कूल में डाला जाता है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन रोज का अभ्यास होता है, जाने का आने का, जाने का आने का, और अक्षर बोध हो जाया करता है, और अक्षर बोध करके व्यक्ति आगे बढ़ जाया करता है। तो व्यक्ति जो बढ़ रहा है वो तभी बढ़ रहा है कि रोजाना प्रयत्न किया जा रहा है, तो रोजाना प्रयत्न आवश्यक है। देखिए आप लोग जरा इधर मुड़ लीजिए, थोड़ा सा यजमान बैठे ना, थोड़ा मेरी तरफ मुड़ जाइए। ये कहा गया कि जीवन में उत्तम कर्म क्या होना चाहिए, उत्तम कर्म आपने सुना, देखा भी, पढ़ा भी, वहां मोटो लगा हुआ है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, निश्चित रूप से कर्म श्रेष्ठतम है। मनु महाराज कहते हैं कि हमको श्रेष्ठतम कर्म कौन से करने हैं जीवन में, वो कह रहे हैं आचार संहिता के तहत वेदाभ्यास तपोज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः अहिंसा गुरु सेवा च श्रेयस कर्म परम। जीवन में दो प्रकार के कर्म होते हैं, श्रेय और प्रे। श्रेय कम और प्रे कम, प्रे मेरे वो कर्म है जिससे मेरा जीवन चलता है नित्य प्रति। कर्म करना है, उत्तम करना है, जीवन अच्छा होगा। किसी का उपकार कर दिया, किसी को दान दे दिया, किसी का भला कर दिया, ये सब प्रेम में आ रहा है। मैंने अच्छा आहार ले लिया, अच्छे साधन जुटा लिए, सब प्रेय कर्म है सब। और श्रेय कर्म कौन सा है, जो बंधन से छुड़ाता है,
बंधन से छुड़ाने वाला जो काम है, मुक्ति दिलाने वाला है, कष्टों से दुखों से हटाने वाला है कर्म, उसकी ओर इंगन किया जा रहा है। श्रेयस कर, मुक्ति बंधन, ये दोनों साथ साथ शब्द हैं। बंधन है तो मुक्ति नहीं है, मुक्ति है तो बंधन नहीं है, तो इनका जो जोड़ा है, तो श्रेयस कर जो कर्म है उनको हमें जानना है। तो कहा वेदाभ्यास, ये मेरे जीवन का कर्म होना चाहिए, यही श्रेय मार्ग है, दुखों से छुड़ाने वाला मार्ग है। श्रेयस, श्रेय है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वेद का अभ्यास। क्या आप लोग करते हैं? लोग कहते हैं किसका अभ्यास करो, सुंदरकांड पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, कहते हैं लोग, इसको पढ़ते जाइए, सब लोग पढ़ रहे, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन मनु महाराज कह रहे हैं का वेदाभ्यास, वेद का अभ्यास का मतलब होता है नित्य प्रति पढ़ना। कुछ भी काम हो जाए, परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन वेद का अभ्यास करना है मुझे, और वेद के अभ्यास के द्वारा ही हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। तपह, तपह माने द्वंद्व सहनम तपह। घर में कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, देश में परिस्थितियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, उसको सहन करना, उससे पलायनवाद करना अच्छी बात नहीं है, उससे बंधन नहीं कटेंगे, हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा दुखों से, पलायनवाद नहीं होना चाहिए, द्वंद्व सहनम। और दूसरा द्वंद्व सहनम ये भी होता है कि जो द्वैता के भाव है मेरे अंदर, वो न होवे, उनको भी हम दूर भगावे। तपह, लोग समझते हैं कि टांग से खड़े हो जाना तप होता है, वो तप नहीं है। यज्ञस तपह, यज्ञ करना तप है। भूर्भुवः स्वः उपास्वः एतत् तपः, परमात्मा का ध्यान करना तप है, यज्ञ करना तप है। ऋषि लोग जो होते हैं, जब आचार संहिता सिखाने लगते हैं तो एक सूत्र रूप में देते चले जाते हैं, और जिसकी व्याख्या हमको स्वयं करनी पड़ती है। वेदाभ्यास, वेद का पढ़ना, ये मुक्ति दिलाने वाला कार्य है। तप करना, ये मुक्ति दिलाने वाला कार्य है। ज्ञानम, ज्ञान माने ये नहीं है कि काखा गा घा पढ़ लिया, आ ई पढ़ लिया और अक्षर बोध हो गया, ये ज्ञान हो गया, ज्ञान इसका नहीं है। आत्म ज्ञान का नाम है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, और वो ज्ञान प्राप्त कर लेता वही पंडित होता है। आत्म ज्ञानम समारंभस्ते शिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति सवई पंडित उच्यते। पंडित, पंडित आज हम लोग कहते हैं कि लंबा टीका लगा लिया, पगड़ा बड़ा है, सोटा लंबा है, वो पंडित है। सोटा बड़ा, पंडिता पगड़ा बड़ा, सोटा भी बड़ा सा है, पंडित का पगड़ा भी बहुत बड़ा है, उसे हम पंडित कह रहे हैं। लेकिन महाभारत कारण कहा आत्मज्ञानम, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा दो है, जीवात्मा और परमात्मा। बहुत से लोग ये कहने में तत्पर हैं, कहा जा रहा है हम परमात्मा के अंश हैं, अंश बताया जा रहा है, याद रखें ये जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है। दुख क्यों होता? क्योंकि परमात्मा का स्वरूप जो है आनंदमयो ही सह, आनंद ही है उसका स्वरूप, दुख तो उसका स्वरूप ही नहीं है। घटनाएं जो भी घट रही हैं वो आपकी, मेरी या आपकी है, दूसरे की है, परमात्मा ने नहीं दुख दिया है, उसने तो व्यवस्था दी है। जो व्यवस्था पर नहीं चलता है वह दुख भोगता है। मान लीजिए गाड़ी सड़क से आ रही है, एक्सीडेंट हो गया है, वो घटना जो हुई है, एक बच गया तो ठीक, नहीं तो दोनों ही नहीं बचे। ये घटना किसने की थी? परमात्मा ने नहीं की थी। हाँ वो देख जरूर रहा है, गलती किसकी हो रही है, कहाँ हो रही है, वो दृष्टा है, उसका दंड देगा। जिसको जैसा कर्म देखने के बाद फल निश्चय करेगा वो दे देगा। लेकिन या तो मेरी बुद्धि खराब हुई है या आपकी बुद्धि खराब हुई है, तब ये घटना घटी है। वहां पर दुख देने वाले हम परस्पर हैं। और क्या क्या देते हैं? जब किसी को सांत्वना देने जाते क्या कहते हैं? हाय राम, परमात्मा ने क्या किया, कितना बड़ा दुख दे दिया। सांत्वना दे रहे हैं और धब्बा लगा रहे हैं परमात्मा के ऊपर, परमात्मा ने कष्ट दिया है, परमात्मा ने एक्सीडेंट नहीं कराया था,
वो कर ही नहीं सकता ऐसे काम। बुद्धि मेरी खराब हुई या आपकी खराब हुई तब एक्सीडेंट हुआ है। आनंदमय है ईश, यह पहचान कर लेना परमात्मा की, इतना विवेक कर लेना, इसका ही नाम है ज्ञानम, आत्मज्ञानम। हम किसी को दुख देते हैं, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है। कर्मों का फल देना यह दुख नहीं है, परिणाम है, कर्मों का परिणाम है। परिणाम तो मिलेगा, परीक्षा देने जाएंगे, गलत लिखेंगे, जो जिसको आप आंसर कह रहे हैं, जिसको आप उत्तर कह रहे हैं, यदि गलत लिखा गया है तो फिर जो नंबरिंग होगी वो भी गलत ही आएगी। सही किया है तो सही आ जाएगा, ये आपके ऊपर है। आत्मज्ञानम समझ लें कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, हम अंश नहीं हैं, और जीव भी कितने हैं, अनेक हैं। जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष महत्वम, जन्म हो रहे हैं, मरण हो रहा है, ये कार्य बता रहे हैं कि बहुत से जीव हैं, एक जीव नहीं है, बहुत से जीव हैं, और ये परमात्मा से अतिरिक्त हैं। जन्म की व्यवस्था, मरण की व्यवस्था ये हमको चेता रही है। जान लें आत्मज्ञानम। इंद्रियाणाम च संयमः वेदाभ्यासः तपोज्ञानम। इंद्रियाणाम च संयमः, इंद्रियां पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, और ग्यारहवां जो मन है वो भी इंद्री के अंतर्गत आता है, लेकिन अलग से गिना नहीं जाता व्यवहार में, क्योंकि चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो, मन के बिना कुछ काम नहीं करती। मन होता है तो ही होता है। हमारी आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, रसना चखने का काम करती है, जिह्वा बोलने का काम करती है, हस्तपाद ये कर्म के कर्म कर रहे हैं, पायुपस्थ कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब तक मेरा मन संयुक्त नहीं होगा तब तक स्पर्श इंद्रिय काम कर रही है, मन के साथ ही कर रही है। मन जुड़ जाता है तो कार्य होने लगता है, इसलिए मन को अलग से कोई गिनता नहीं है, दस इंद्रियां ही बता दी जाती हैं। तो इंद्रियों पर संयम, ये नहीं कि जो आंख में दिख रहा है वो देखते चले जाएंगे, टेलीविजन लगा है तो बैठे हैं तो बैठे हैं, गलत है। सूंघने को मन कर रहा है, कैसा हमने परफ्यूम लगा लिया है तो हम सूंघते चले जाएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है, कमरे में जाना आना, ऑफिस में आना, ये गलत है। सूंघना है तो सूंघिए ना, ये इसको देखिए कहां पर भी कहीं पर भी याद अनुमान करके देखिएगा भाई और बहनों, गंदगी बहुत हो, बहुत गंदगी हो, आपको घुसने का मन न करता हो, कितने ही धूप बत्ती जला लीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, वहां का प्रदूषण दूर नहीं होगा, लेकिन घी सामग्री डाल करके चार आहुतियां डाल दीजिए, माने एक मिनट भी नहीं लगेगा, दुर्गंध सारी अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह सुगंधी ही सुगंधी हो जाएगी। मैं तो बहुत बार करके देखा, यह किया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कोई भी सुगंधी फैलाने का कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। इंद्रियों पर संयम करना आवश्यक है, इंद्रियों पर संयम नहीं आज, दुख इसीलिए है, दुख इसीलिए है, सुख और दुख खा माने गोलक, ये गोलक है ना, गोलक अगर जहां फिर गए उलट गए वहीं दुख होने लगेगा, जहां सुव्यवस्था में होंगे वहीं सु हो जाएगा, सुष्ठु हो जाएगा, शोभन हो जाएगा। यह मेरे इंद्रियों पर ही आधारित है, सुख दुख की उत्पत्ति इन इंद्रियों से ही हो रही है और किसी से नहीं हो रही है। इंद्रियों पर काबू है आप, इंद्रियों की व्याख्या ज्यादा मैं नहीं कर रही हूँ, इंद्रियों की व्याख्या आपने बहुत बार सुनी है, ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये साधक बैठे हुए हैं, आप सब भी बैठे हैं, पूरे नगरों में, पूरे आपके व्याख्यानों में, आर्य समाज में खूब व्याख्याएं होती है इंद्रियों की, इंद्रियों की व्याख्या मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस पर काबू रखना बहुत आवश्यक है, वशीकरण की आवश्यकता है। इंद्रियाणाम च संयमः, ये श्रेयस्कर कर्म है, घर में भी और बाहर भी, अहिंसा मनसा वाचा, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति सोच ले आज उसको मुझे मारना है, मन में सोचा, आके सामने खड़े होकर कह दिया मुझे मारना है तुमको, और रात को उठ करके तलवार से गला काट दिया, कर्म से भी हो गया। न मन से सोचना है, और कर्म में तब आता है
जब मन में हो जाता है, वाणी में भी तब आता है। जब मन में होता है तो मन का वशीकरण बहुत आवश्यक है, जिसके लिए तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु ये नित्य प्रति पढ़ा जाना चाहिए। और पढ़ते रहते हैं तो मेरे मन में शिव संकल्प हमेशा रहता है, अच्छा ही रहता है। ऋषि दयानंद से सीखे, ऋषि दयानंद के ऊपर सांप फेंके गए, पत्थर फेंके गए, क्या क्या किया गया, जहर दिया गया, अंत में कांच पीस करके भी दे दिया गया और देने वाले को माफ कर दिया गया, क्योंकि व्यक्तिगत था। याद रखें, जब मेरे ऊपर व्यक्तिगत कोई ऐसा कर्म हो वहां माफ कीजिए, लेकिन समुदाय के लिए हो वहां अगर तलवार की आवश्यकता है तलवार लेके खड़े हो जाइए, वहां माफ करने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। समुदाय की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, जाति की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, वहां आपको बदले में तलवार लेके खड़ा होना पड़ेगा और होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत कोई हानि हो चुकी है वहां बदले का आप कोई भी प्रावधान मत रखिए, सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, दुख नहीं भोगे। अगले ने तो दुख किया ही अपने लिए, और हम भी वही दुख कर लेंगे अपने लिए, अपने जन्म भी बिगाड़ लेंगे, अपने कर्म भी बिगाड़ लेंगे। वहां ऐसा नहीं करना है, वहां अहिंसा का बर्ताव करना मेरे लिए सुखकारी है, मेरे लिए हितकारी है, वही उपादेय है। ये ध्यान देने की बात है, और देता नहीं है समाज में कोई भी, तुरंत दौड़ पड़ता है, अभी गलत काम होता है। अहिंसा, गुरु सेवा, गुरुओं की सेवा। गुरुओं का गुरु ईश्वर है, जानते ही सब जान रहे हैं। सयेश पूर्वेशमपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, अविच्छिन्न काल से परम पिता परमात्मा दुनिया का गुरु है। गुरु परंपरा वहीं से चली है, आचार्य परंपरा वहीं से चली है। गुरु की सेवा ये जान रहे हैं, जो लोग के साकार है वो तो गुरु की सेवा चले, थाली पानी चंदन वंदन फूल माला, लेकिन निराकार वाले क्या करें? क्या जब ईश्वर के लिए वेद में कह दिया गया अकायम अब्रम, वो ईश्वर अकाय है, शरीर नहीं है उसका, उसका शरीर है ही नहीं, तो ये ऊपरी बाह्य कार्य उसके लिए अनपेक्षित हैं, नहीं चाहिए। तस्चैषा दृष्टि एतस्मै शरीरे, उपनिषद में कहा गया यदि उसको देखना चाहते हो। जिस समय शास्त्रार्थ हुआ था, आपने शास्त्रार्थों की घटना जमाने में देखी होती, मैंने तो पंडितों के साथ काशी में की है। एक तरफ धुरंधर विद्वान और एक तरफ मैं, लोगों ने कहा इन ब्रह्मचारियों को क्या पढ़ाते हैं। मैंने कहा मैं अध्यात्म विद्या पढ़ाती हूँ। उन्होंने कहा अध्यात्म विद्या अभी से पढ़ाती हैं, छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा भगवान आप सब छोटे से वही करते चले आ रहे हैं, अभी तक वही पहले सीढ़ी का काम करते आ रहे हैं, साकार की पूजा करते चले आ रहे हैं, आप वृद्ध भी हो गए, अब तक छत पे ही नहीं चढ़ पाए, तो छत पे चढ़ने का काम कम होगा, शमशान में घाट में जाने की भी तैयारी हो चुकी है। छोटे बच्चे को ही सिखाया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या नहीं उचित है। उस समय मैंने यह प्रमाण प्रस्तुत किया था उनके सामने, तस्चैषा दृष्टि एतस्मिन शरीरे, अगर उसको देखना चाहते हैं परमात्मा को तो इस शरीर में देखिए, अपनी आंखें बंद करके इसमें देखिए। मंदिर में भी तो जाते हैं ना आप सभी, और मंदिर में जाके क्या करते हैं, जैसे ही चक्र लगाते हैं या सामने खड़े होते हैं, आंख आपकी भी बंद होती है, थाली आपके हाथ में होती है, आंखें बंद करके खड़े होते हैं। इसका मतलब यह है अंदर ही परमात्मा को मिला जा सकता है, बाहर नहीं मिला जा सकता, उसकी आवश्यकता नहीं है। निराकार है परमात्मा, और जो साकार मान रहे हैं वो पचड़े में है, धोखे में है, वंचना में है, आत्म वंचना कर रहे हैं। आत्म वंचना को छोड़ें, ये दूसरी शताब्दी है ऋषि दयानंद की, याद रखिएगा सभी लोग। ऋषि दयानंद के जीवन में यदि लिडंत जो शब्द हैं उनको धारण नहीं कर लिया तो समझो दयानंद को समझे ही नहीं। उत्थान उत्थान परिवर्तन बहुत सारे हैं ये शब्द कहने के मेरे पास, लेकिन तीन ही बातें कहूंगी, उत्थान परिवर्तन और अवसान, तीन बातों की व्याख्या कर रही हूं केवल इस समय।
मूर्ति पूजा से उठ खड़े हुए उत्थान हुआ, परिवर्तन कर लिया जीवन का। ये नहीं सत्य है, ये झूठ है तो झूठ है एकदम। वो भी वही थे जो दुनिया है, वही थे शिव के उपासक थे, उनके घर के लोग भी औदिच्य ब्राह्मण थे। जातिवाद को परे फेंका, कितना ही किसी की विरुद्धावली गा लीजिए, लेकिन लोगों ने किसी ने भी काम किया हो दयानंद से अतिरिक्त, जातिवाद को ठोक करके स्थापित किया है। लेकिन दयानंद ऐसे थे जिन्होंने जातिवाद को ठोक करके दूर किया, उन्होंने कि जातिवाद नहीं होती है, मनुष्य अपने कर्म से ही अपनी जाति मनुष्यता को स्थापित करता है, और वही कार्य उन्होंने किया। गुरु सेवा दो प्रकार की है, गुरुओं की आज्ञा पालन करना, सामीप्य सेवन। सेवन परमात्मा का कैसे होगा? उपासना से होगा। वैद्य दवा देता है, क्या कहता है? यह प्रातःकाल सेवन कीजिएगा, यह सायंकाल सेवन कीजिएगा। सेवन क्या? आहार लिया जा रहा है, परमात्मा को खा नहीं सकते, खाया नहीं जा सकता। तो माने क्या? सामीप्यता स्थापित करना, पदार्थ की जब हमारे को आवश्यकता हो तो सामीप्यता स्थापित करें, वो सेवन है उसका। इसी प्रकार से गुरुओं के पास समीप में बैठना, तब विद्या आती है, अंतेवासी बनना जब हो जाता है। पढ़ा है ना उपनिषदों का वचन, आचार्य कुले अत्यंतम अवसादयन। आचार्य कुल में अपने को बहुत दुखी करते हुए जब वो जो व्यक्ति कर लेता है तो विद्या वो आ जाती है। दयानंद ने भी वही काम किया था। पानी भरना, लोग सोचेंगे पानी भरने का क्या काम था भाई? पानी भरा और सबको ऐसा जल से, जान के जल से ऐसा सिंचन किया कि सब जगह अंधेरा छांटने का काम कर लिया। उस पानी भरने से, सेवा करने से ऐसा हुआ। गुरु सेवा चाह, गुरुओं की सेवा भी करनी चाहिए। वो गुरुडम बात नहीं जो आज कान में मंत्र दिया जा रहा है। मंत्र कोई कान में दिया जाता है? कान में देके क्या करेगा आदमी? और ना कह दिया था बताना भी मत किसी को, बताएंगे तो गुरु परंपरा चलेगी कैसे भाई? कान में दे करके काम बैठ जाएंगे तो होगा कैसे? गुरुडम बात फैला रहे हैं सब लोग, वो गलत काम है। गुरुडम बात से बचें, गुरुओं के पास रहें, गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करें, उनके जो व्रत हैं उसमें चलें, चल करके इस देश को, जाति को, जगत को एक मार्गदर्शन दें, ये हमारा आज कर्तव्य है। तो यही श्रेयस्करम परम, ये श्रेयस्कर कर्म है जिसको करके जीवन में उन्नत हो सकता है व्यक्ति। और अपने जीवन में धारण करें कि आचार संहिता का, मनुस्मृति का आदेश है, मनु महाराज का आदेश है, और इसे ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है, इसे हम जानें और समझें। इन्हीं भावों के साथ आगे का मंत्र पाठ होगा। अब ऋग्वेद की आहुतियाँ पूर्ण हो चुकी हैं, ऋग्वेद का ज्ञान कांड है, ऋग्वेद में ज्ञान है, विशेषकर मुख्यतया यजुर्वेद में कर्म कांड की व्याख्या है, कर्म कैसे किया जाए, जीवन में कैसे रहें। सामवेद में उपासना कांड है, परमात्मा के सामीप्य को कैसे प्राप्त करें मुख्य रूप से। और अथर्ववेद में जो ज्ञान है वह है विज्ञान का कांड है। विज्ञान का कांड कहीं नहीं कि दो पदार्थों को मिलने का है, विज्ञान का मतलब होता है ईश्वर से लेकर के तृण पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है, उसको प्राप्त करना ये अथर्ववेद का काम है। और जो ब्रह्मा बनता है चारों वेदों का ज्ञाता बना करता है, चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए तो अथर्ववेद उसकी पूर्ति कराता है ज्ञान में। इन्हीं भावों के साथ यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ प्रारंभ हो रहा है। आप बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ श्रवण करें।